Fine. So today we will be discussing regarding the conditional and independent events, right? The conditional and independent events. Right. ये कॉन्सेप्ट जो है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, या आप ऐसे समझ लो कि स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. राइट. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक वर्ड क्या आता है, कंडीशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटीज. हाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी इसमें ना हमेशा एक कंडीशन दिया होगा. राइट. गिवन ए कंडीशन, मान लो कोई एक इवेंट हो गया. राइट. तो दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. राइट. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ ऐसे बोल लो कि इवेंट इवेंट ए हैज अकर्ड. करेक्ट. हैज अकर्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू हैपन. इस टाइप से होगा. राइट. या उल्टा भी हो सकता है कि बी हैपेंड हो चुका है. राइट. तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. करेक्ट. तो इसको लिखते कैसे हैं, जैसे ए हैज अकर्ड, दूसरा मान लो कि अदरवाइज अदर वे हो सकते हैं कि बी हैज हैपेंड. करेक्ट. हैज हैपेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. करेक्ट. पहला चीज इंपॉर्टेंट है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं. तो आप लिखोगे पी आर प्रोबेबिलिटी. करेक्ट. ऑफ हैपनिंग ए. राइट. गिवन दैट एक लाइन खींचना है, स्ट्रेट लाइन, जिसको बोलेंगे गिवन दैट. इसको रीड भी करेंगे, इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर्ड. राइट. इसको इट विल बी रेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. राइट. गिवन दैट Given that B has occurred. ओके. ठीक है. क्या करें, पी आर प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट ए, एक लाइन खींचना है, और लाइन का ही मतलब है क्या, गिवन दैट. राइट. ये गिवन दैट बी हैज अकर्ड. इसका यदि लिखना होगा तो इसको वैसे ही लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी करेक्ट गिवन दैट ए हैज. ठीक है. ओके. अभी ना हम एक एग्जांपल करेंगे, और उस एग्जांपल पे राइट, ए रेडियो एक्टिव सोर्स कंसिस्टेड initially of 20 atoms of
20 एटम्स ऑफ आयोडीन 131 एंड 20 एटम्स ऑफ P32. The number of each that were observed to decay or not over a subsequent five-day period are shown in table 1, right? एक टेबल है स्टेटस ऑफ डीके डीके हो गया आफ्टर 5 डे नंबर ऑफ एटम्स आयोडीन 131 P32 टोटल डिकेड छे सिक्स फोर दिस इज 10 नॉट डिकेड डिकेड 14 16 दिस इज 30 टोटल ये हो गया 20 एंड दिस इज 40 सो ये आपका टेबल है ठीक है ओके देखो क्या बोला ए रेडियो एक्टिव सोर्स consisted initially of 20 atoms of iodine 131, right? और 20 atoms जो थे, वो किसके थे? P32 के थे, right? और the number of each that were observed to decay or not over a subsequent 5 day periods is as follows. अभी देखो कितने decay हुए? iodine के 6 decay हुए और P32 के 4 नहीं डिके हुए 14 और इसका 16 राइट तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन ऑफ द 40 एटम्स वेयर सेलेक्टेड एट रैंडम क्या वन ऑफ द 40 एटम्स were selected at random. इस 40 में से एक सेलेक्ट किया रैंडमली कोई एक ओके
और यदि ए जो है, लेट ए राइट इज द इवेंट, इज द ए इज द इवेंट दैट द एटम इज आयोडीन 131, करेक्ट, ठीक है. और बी जो है, बी इज द इवेंट दैट एटम इज P32, करेक्ट. मतलब एक रैंडमली 40 में से एक को सेलेक्ट किया, करेक्ट. और वो बोल रहा है कि यदि मान लो कि ए जो है वो इवेंट है कि वो सिलेक्शन जो था वो आयोडीन 131 का था, राइट. और बी एक इवेंट है कि उस केस में सिलेक्शन जो था वो किसका था, P32 का था. तो बोल रहे हैं कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, मतलब ए इवेंट ऑफ आयोडीन 131 का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, करेक्ट. मतलब जो बी जो है, दिस इवेंट जो है, हाँ यस ओके जी ठीक है ओके दैट प्रोबेबिलिटी दैट दैट एटम इज दैट एटम इज आयोडीन 131 given that नहीं नहीं एक केस में गड़बड़ है. B is the event A है that the atom has decayed, has decayed. एक क्वेश्चन ये है, क्या है, एक क्या बोला है, A is the event That आयोडीन 131 का एटम है, करेक्ट. और बी एक इवेंट है कि एटम जो है वो डीके हो चुका है, करेक्ट. तो पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट, गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, करेक्ट, राइट. तो यदि एटम कोई भी डीके हुआ है तो वो आयोडीन का ही एटम होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कंडीशनल आ गए ना, एटम डीके हुआ, जो भी सेलेक्ट किया वो डीकेड एटम था, करेक्ट. बी आ गया इवेंट डीके, तो वो एटम के आयोडीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, राइट. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज गिवन दैट एटम इज आयोडीन 131 गिवन दैट एटम हैज डीकेड, दैट एटम हैज डीकेड. देखो इज इट इजी, देखो टेबल को देखो, इस टेबल से बनाना ये सवाल बहुत इजी है. सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल है कि एक कंडीशन दिया हुआ है और उस कंडीशन के बेस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब दो इवेंट है, कंडीशन है कि एक इवेंट हो चुका तो दूसरे के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो इसमें है कि बी जो है एटम डीके हो चुका है, जो सेलेक्ट किया रैंडम वो एटम डीकेड एटम था, तो वो एटम के आयोडीन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एंड दैट्स व्हाट इट हैज आस्क्ड. तो यदि आप टेबल को ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी है करना. देखो ये क्या है, डीकेड की प्रोबेबिलिटी है, राइट. तो 10 में से उसने क्या किया, एक एटम सेलेक्ट किया था, राइट. और कितने एटम डीकेड हुए हैं, टोटल 10 हुए हैं, करेक्ट, समझ गया. एंड आउट ऑफ दैट उसके एटम डिकेड वाले में से 6 जो हैं किसके हैं, आयोडीन के हैं. तो सिंपल है, क्या होगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज डिकेड, तो बी हैज डिकेड में तो 10 हो गया, और 10 में से 6 जो थे वो आयोडीन के थे, तो 6/10,
सर, इस टेबल को देख करके इसको बहुत इजी है करना, करना है ना, करेक्ट। सो आंसर क्या होगा, इतना लंबा क्वेश्चंस और आंसर एक लाइन का, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू 6/10। ओके, एक है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, राइट, विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस फॉर्मूला से निकालेंगे, और यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। समझ गए क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ये है, करेक्ट। यदि मान लो कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हो कि गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, तो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखना है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, करेक्ट। तो याद भी रखना, कैसे, फॉर्मूला भी याद रखना इजी है, ये जो लाइन जो है, समझ गए, ये लाइन की जगह इंटरसेक्शन डाल दो और डिवीजन में ये नीचे वाला उठा के डाल दो, बस, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा। अब इससे ये निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा 6/10 आंसर आता है कि नहीं आता, करेक्ट, राइट। तो देखो पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब इसने क्या बोला कि ए और बी में दोनों साथ साथ होना चाहिए, ये ना, दोनों के साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या है, ए जो है आयोडीन का एटम होना चाहिए, डिकेड एटम बोला, आयोडीन का एटम होना चाहिए ए बोला पहला, और ये क्या बोला था, डिकेड होना चाहिए, समझ गए, बी जो है एटम को डिके होना चाहिए और ये बोला आयोडीन का एटम होना चाहिए, तो आयोडीन का एटम जो डिके हो गया, बस वही लेना है मुझे, राइट। तो कितने एटम है जो आयोडीन के एटम डिके हो गए, ये तो क्लियर है, राइट, 6 है। सो दिस विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय आउट ऑफ हाउ मच, 40 एटम्स, 20 आयोडीन के थे और 20 उसके थे, क्योंकि एक रैंडम सेलेक्ट किया है, समझ गए, तो उस एक में उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी डिवाइडेड बाई 40 हो जाएगी, यही होगी ना, करेक्ट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है कि एटम के डिके होने की प्रोबेबिलिटी, सिर्फ डिके होने का बोला है, हाँ, क्योंकि कितने एटम डिके हुए, टोटल 10, हाँ टोटल 10 डिके हुए हैं, करेक्ट। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 10 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल सैंपल इस पे टोटल नंबर ऑफ एटम 40 है, तो दिस वन विल बी 40। तो यहां पे ये जब रखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 40, करेक्ट, डिवाइडेड बाय, मेक डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 40, करेक्ट। तो दिस 6 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 10, दिस वन विल बी 6/10। समझ गए, तो ये टेबल नहीं भी होता ऐसे बना हुआ और वर्ड्स में भी लिखे होते, राइट, तब भी आप ऐसे करके बना सकते थे, करेक्ट। ऐसे बनाते हैं और इसी फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बोलते हैं, करेक्ट। और इसको यदि बी हो जाएगा, उलट जाएगा, तो बी इंटरसेक्शन, हाँ, अपॉन प्रोबेबिलिटी, इसको इसको लिख देते हैं, राइट, ठीक है, नहीं हम फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं इसका, राइट, करेक्ट करेक्ट। यदि मान लो कि ऐसा होगा तो उसके लिए फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो और देखो पिछले क्लास में ना, शायद इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऐसा भी बोला था कि कुछ बुक्स में जो है ऐसे लाइन भी खींचा है, कुछ लोग बी बाई ए भी लिखते हैं,
कुछ लोग बी ऑब्लिक ए ऐसे भी लिखते हैं, राइट ऐसा बोला था कि सिमिलर है, लिखते हैं ऐसा बुक में आपको मिल जाएगा, बट मोर करेक्ट और मोर प्रेफरेबल जो है वो ये है, ऐसे ही लिखना चाहिए गिवन दैट स्ट्रेट लाइन डालना है। तो आगे से हम लोग भी जब भी यूज करेंगे तो हम लोग यही वाला करेंगे, इसको हम लोग नहीं यूज करने वाले, ठीक ओके। सो तो ये जो होगा इसका फॉर्मूला ये करेक्ट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हो जाएगा, ठीक है।